रातों रात स्थापना करके नाग देवी के दर्शन हो गए। हमारे गांव की कृपा हो गई है, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। बेटी नागलक्ष्मी, ये नाग देवी आज हमारे गांव में स्थापित हुई है, इसका कारण तुम ही हो बेटी। इसलिए सर्वप्रथम इस बांबी की तुम ही पूजा करो बेटी। हे माता नाग देवी, हम लोगों पर दया करने के लिए हमारे गांव में तुम आई हो। रोजाना हम तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि अब इस गांव की देवी तुम ही हो। अच्छा पहना। मैं अच्छा हूँ। तू तो सुबह ही आने वाला था, इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा हुआ आदित्य। ओ बड़ी भाभी छोटी भाभी, आप दोनों कैसी हैं? हाँ, हम अच्छे हैं। क्यों रे आदित्य, सफर कैसा रहा? प्रणाम बड़े भैया। सिटी लाइफ कैसी रही? बहुत बढ़िया है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ हो गई भैया। वेरी गुड। थोड़ा काम है, अभी बाहर जा रहा हूँ, शाम को बैठकर बात करेंगे। ओके ठीक है भैया, मैं जाकर शाम को आ जाऊंगा। ठीक है आदित्य। बेटी कॉफी आई? कैसी हो? तुम्हारी दया से मैं अच्छी हूँ बेटी। अच्छा, नागलक्ष्मी हमारे गांव में नाग देवता की मूर्ति लेकर आई ना? यानी ये बात तुझ तक भी पहुँच गई? जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे एक दोस्त ने बताया। यहाँ के लोगों को और कोई काम थोड़ी ना है, मट्टी के ढेर को टीका लगा के बोलते हैं कि देवी है, हमें विश्वास नहीं। वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं है भाभी, लेकिन ज्यादातर लोगों को विश्वास है, इसे भी नकार नहीं सकते। नागलक्ष्मी ने जो काम किया है उससे गाँव का भला होगा, ऐसा लोगों का कहना है। गाँव वाले की बात छोड़, तू जल्दी से नहा के आ जा, हम नाश्ता लगाते हैं। चलो